बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कैसर मलिक आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो आज मैं आपको बताऊंगा अर्थ वार कट फिल क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया एवरेज एरिया मेथड के जरिए। ये पूरा का एरिया आपके सामने पूरा कैलकुलेट हुआ हुआ, मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये एरिया वॉल्यूम मैनुअल कैसे कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन के लिए आप पैड नोट पैड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर भी अपना इस किस्म का टेबल बना ले, जिसके अंदर आपने सबसे पहले आरडी अपना डिस्टेंस एरिया और इसी तरह एवरेज एरिया और उसके बाद वॉल्यूम वाला टेबल बना देना। उसके बाद आपने सबसे पहले इधर अपनी आरडीज को नोट कर लेना, जितनी जितनी भी आपके डिस्टेंस के ऊपर क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन आपने सबसे पहले ओपन करना है और इसका डिस्टेंस आपने देख लेना है कि आपके पास इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है। 50 मीटर के ऊपर बने हुए, 20 मीटर के ऊपर बने हुए, जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपके पास ये क्रॉस सेक्शन बने हुए आपने उतना उतना डिस्टेंस अपने पास नोट कर लेना है। ये क्रॉस सेक्शन आपके पास शॉर्ट शेप में है या हार्ड शेप में है, दोनों कापीज के ऊपर आप अपना उसका डिस्टेंस सबसे पहले आपने इसका नोट कर लेना है इधर से, और उसके बाद आपने ये सारे डिस्टेंस इधर साइड के ऊपर इधर लगा देने। लगाने के बाद आपने इसका इधर से आपस में इनका आपस में डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, RD1 RD2 RD1 आप करेंगे तो ये 50 मीटर के ऊपर है तो ये हमारा सारा डिस्टेंस इधर 50 मीटर का आ जाएगा। अगर आपके पास दरमियान में 20 मीटर का भी कोई है, जितना भी आपके पास आ रहा है आपने उसका डिस्टेंस इधर निकाल कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने आगे आ जाना है एरिया, ये एरिया आपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर लिखना है। क्रॉस सेक्शन को आपने इधर से ओपन कर लेना है। फर्स्ट एरिया है मेरे पास 355.829, तो वो आपने इधर नोट कर लेना है। उसके बाद सेकंड है 0+50 वाली आरडी, उसका एरिया है 381.182, उसको आपने इधर नोट कर लेना है। उसके बाद इसी तरीके से थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास 364.802, और उसके बाद इसी तरीके से आप आगे जा रहे हैं तो 457.184 और 200 वाली आरडी के ऊपर हमारे पास क्रॉस सेक्शन का एरिया है 398.968 और एंड वाली जो हमारी आरडी है उसका एरिया है हमारे पास 467.45। तो ये एरिया आपने क्रॉस सेक्शन के ऊपर से इधर से नोट कर लेने हैं अपने सारे एरिए, और उसके बाद आपने आगे आ जाना है एवरेज एरिया के ऊपर। एवरेज एरिया आपने निकालना, पहला आपका 0-0 का आएगा, उसके बाद आपने एरिया 1+ एरिया 2 करना है। जैसे एरिया 2 आप करके और उसका डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आपके पास 368.505 का इधर वैल्यू आ जाएगी, ये आपने इधर नोट कर लेनी है। इसके बाद आपने इसी तरीके से एरिया 1 381.182 और 364.802 को आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा इधर एवरेज एरिया 372.992। इसी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल एंड तक। तो जो सा एरिया 1 एरिया 2 को आपने प्लस करना है डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसकी वैल्यू को आपने इधर लिखते जाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो आपने इसी तरीके से इसका एवरेज एरिया निकाल लेना है, एरिया 1+ एरिया 2 डिवाइडेड बाई 2 करके, और जो एरिया आपके पास आ रहा होगा आपने इधर उसको नोट कर लेना। उसके बाद आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम के लिए आपने पहला हमारा 0-0 को आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास पहला एवरेज एरिया था 368.505 मल्टीप्लाइड बाई आप डिस्टेंस कर देंगे, जितना भी आरडी का डिफरेंस होएगा वो डिस्टेंस इधर आपके पास आ रहा होगा और इधर आपने नोट कर देना वॉल्यूम वाले कॉलम के अंदर। इसी तरह सेकंड के ऊपर आ जाना आपने, एवरेज एरिया मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, जो एरिया आ रहा होगा 18649.60 वो आपने इधर नोट कर लेना है। इसी तरीके से आपने सारे मैनुअल कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। किसी इंटरव्यू के अंदर किसी जगह के ऊपर आपसे जो भी ये सवाल पूछा जाता है कि क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम आपने कैसे कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपने इसी मेथड के जरिए कैलकुलेट करके देना है एवरेज एरिया मेथड के जरिए। ये सारी क्वांटिटी इसकी कट की भी और फिल की भी क्वांटिटी सेम टू सेम इसी तरीके से कैलकुलेट होती है। तो आपने ये सारे कैलकुलेट कर लेना है, ये आरडीज हमारे पास इधर आ जाएंगे, उसका वॉल्यूम आ जाएगा हर आरडी का। इसके बाद आपने इन आरडीज को आपस में प्लस कर देना है सारा। हमारे पास पहली आरडी का क्रॉस सेक्शन है 18425.28 प्लस 18649.60 प्लस 20549.69 65, इसी तरीके से 21403.80 और उसके बाद लास्ट में 21660.45। तो जितने क्रॉस सेक्शन है सबको आपने प्लस कर देना है इधर से, जो सा भी आपका एरिया आएगा वो एरिया आपने इधर नोट कर देना है, तो ये आपके पास टोटल इसका फिल या कट एरिया आ जाएगा। तो आपने सारी कैलकुलेशन को सेम टू सेम इसी तरीके से करना है। बहुत यूज़फुल वीडियो थी मेरी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेरे चैनल के अंदर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मौजूद है जिनको देख के आप बहुत अपना जो कंसेप्ट है अपनी क्वान्टिटी का, आपके क्रॉस सेक्शंस का, आपकी कैलकुलेशन का सारा आप क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे साथ ही रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।